Good morning, class. Today we will read the chapter Introduction to Computer, chapter number 1 of class 3. As we know, computer is an electronic machine that makes our work easier and faster. हमें ये मालूम है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो हमारा काम बहुत ही जल्दी कर देती है और बहुत फास्ट कर देती है. चाहे वो कैलकुलेशंस हों, चाहे डिफरेंट टाइप का वर्क हो, चाहे हमें कुछ भी सर्च करना हो, कंप्यूटर इज वेरी गुड एट दैट. ओके, सो ओवर हियर वील गो ऑन द वर्किंग ऑफ हाउ द कंप्यूटर वर्क्स. टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर, कंप्यूटर कैन डू वेरियस टास्क लाइक ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर्स, डू कैलकुलेशंस, write letters, play movies, even the cartoons that you watch in TV, that can also be done from the computer. Teach lessons, right now we are taking online classes and we are doing it with the help of computer as well. Play music, check spellings, prepare budgets, planners and maintain the accounts. Like accounts jab maintain kare jaate hain, jaise ki bade offices hue, आपके बैंक्स हुए, आपने देखा होगा वहाँ सभी जगह आपके कंप्यूटर्स होते हैं. इवन ऑन द रेलवेज यूज दिस इन द रेलवे सिस्टम. जब हमें टिकट बुक करानी होती है, देन व्हाट डू वी डू, वी गो टू द टिकट विंडो एंड वी आस्क देम टू गिव अस अ टिकट. सो इवन द टिकट दैट कम्स इज इन द प्रिंटेड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर. Okay, now we'll talk about working of computers. So as we know, computer is a machine and it basically works on the principle of IPO. Okay, hear the word IPO. IPO. IPO cycle stands for Input Process Output Cycle. ओके, इनपुट हम जो उस कंप्यूटर को डेटा देंगे कि हमारा ये काम करो. ठीक है, सपोज मैं आपको एक मैथ्स का सम देती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि आप इसे ऐड करके मुझे बताइए विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. देन एट दैट टाइम व्हेन यू आर इनपुटिंग द डेटा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, दैट इज द इनपुट प्रोसेस. प्रोसेस ओवर हियर मींस द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा. आप जब कंप्यूटर को बताओगे कि आपने जो नंबर्स दिए हैं उस पर आपने प्लस का साइन लगाया है, तो कंप्यूटर उस चीज़ को प्रोसेस करेगा कि प्लस का साइन लगाया, इसका मतलब आई हैव टू ऐड एंड गिव द रिजल्ट, राइट. सो योर द प्रोसेसिंग विल वर्क एंड देन व्हेन वी कम टू द आउटपुट साइकिल. सो बेसिकली जब आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होते हैं, कंप्यूटर में भी कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, एंड देन यू प्रेस द इक्वल्स टू साइन. ओके, जब हम इक्वल्स टू वाला साइन, मतलब आपका ये वाला साइन प्रेस करते हैं, तो इमिडिएटली हमें जो आंसर मिलता है दैट इज अ आउटपुट. अंडरस्टूड? ओके क्लास, इन आईपीओ साइकिल डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू द मशीन. द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू द मशीन वेदर व्हाट वी वांट द कंप्यूटर टू डू. Then they are processed and finally the result is given out. So basically we need to remember the three things: input, process, output. And I've already given an example to you regarding the same. Okay, then to further understand the IPO cycle, okay, we can take another example that's given over here. दैट्स द बनाना शेक. हम लोग घर में आजकल बनाना शेक, मैंगो शेक पीते हैं, राइट. सो ओवर हियर हम बनाना शेक बनाने के लिए क्या करते हैं, बनाना, मिल्क और शुगर, ये सब मिक्सी के पॉट में डालते हैं, दैट इज अवर इनपुट. हम मिक्सी में डाल के उसे ऑन कर देते हैं मिक्सर को, सो दैट इज द प्रोसेसिंग. एंड जो हमें बनाना शेक या मैंगो शेक मिलता है एट द एंड, दैट इज अवर product. Okay, then we will talk about features of computer. Okay, this features of computers means features
आपके कंप्यूटर में क्या क्या गुण होते हैं. फर्स्ट इज बेसिकली योर स्पीड. ओके, वी ऑल नो दैट कंप्यूटर्स वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड एंड कैन डू बिलियंस ऑफ जॉब्स पर सेकेंड. उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड इट वर्क्स वेरी वेरी फास्ट. सेम एज फॉर योर एक्यूरेसी. सी, अपार्ट फ्रॉम बीइंग फास्ट, वो एक्यूरेट भी होता है. एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही, वो कभी गलती नहीं करता. हम लोग बार बार कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, बहुत बार मैथ्स में हमारी कैलकुलेशंस गलत हो सकती हैं, राइट. कभी कभी हम लोग कैरी कर रहे हैं या बोरो कर रहे हैं, उसमें हम लोग मिस्टेक कर देते हैं. बट द कंप्यूटर इट डज नॉट गिव यू एन एरर एंड इट इज गिव्स यू 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्टोरेज. सो इफ यू टॉक अबाउट स्टोरेज, अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट कैन बी री यूज एट एनी टाइम इन द फ्यूचर. कंप्यूटर में हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं और जब हम चाहें 2 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद हम उसे बार बार निकाल के देख सकते हैं. देन इज योर इंटेलिजेंस. ठीक है, इंटेलिजेंस ओवर हियर इज अबाउट बींग कंसिस्टेंट इन योर वर्क. लाइक ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर्स आर हाईली कंसिस्टेंट. सी, ह्यूमन बींग्स डेली काम करते हैं बट एट अ टाइम दे गेट बोर्ड, दे बिकम टायर्ड. वेयर एज कंप्यूटर इट डज नॉट सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स, दैट इज बोर्डम एंड टायर्ड. इट कीप्स ऑन वर्किंग, कैन कीप ऑन वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर ईयर्स बट इट वॉन्ट गेट टायर्ड. एक सिंपल सी एग्जाम्पल ले लेते हैं, सैटेलाइट्स जो आसमान में होती हैं वो दिन रात काम करती हैं, कभी स्विच ऑफ तो नहीं होती है ना, एंड स्टिल दे कीप ऑन गिविंग अस डेटा, राइट. देन इज योर फिफ्थ इज वर्सेटैलिटी. कंप्यूटर्स आर वर्सेटाइल मशीन्स दैट कैन परफॉर्म मेनी टास्क एंड इज यूज ऑलमोस्ट इन ऑल फील्ड्स. ओके, कंप्यूटर्स आर वर्सेटाइल, दे कैन बी यूज इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड इन डिफरेंट फील्ड्स. देर इज हार्डली एनी फील्ड वे यू डोंट यूज अ कंप्यूटर. ऐसी कोई जगह नहीं है आज के ज़माने में जहाँ पर आप कंप्यूटर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं. चाहे आप स्कूल में यूज़ कर रहे हों, चाहे बैंक्स हों, ऑफिस हों, कॉलेज हों, आपके रेलवे सिस्टम्स हों, कोई सा भी ऑफिस हो, आपको कंप्यूटर की नीड कभी ना कभी वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी. ओके क्लास, देन वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स मतलब हम कंप्यूटर्स को कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं. सो बेसिकली ओवर हियर वी विल बी डिवाइडिंग देम इनटू 3 मेजर क्लासेस डिपेंडेंट ऑन द डाटा रिप्रेजेंटेशन. वो जो हमें डाटा रिप्रेजेंट करके देते हैं उसके आधार पर हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज योर एनालॉग कंप्यूटर. ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर एक कंटिन्यूस फॉर्म होता है कंप्यूटर का, दैट इट कीप्स ऑन वर्किंग कंटिन्यूसली, बीट इलेक्ट्रिकल, बीट मैकेनिकल, बीट हाइड्रोलिकल. ओके, इट विल कीप ऑन वर्किंग एंड इट कीप ऑन गिविंग अस कंटिन्यूस सिग्नल्स एज इनपुट. ओके, तो वो आपको बताता नहीं है एग्जैक्ट, इट विल कीप ऑन रादर देन काउंटिंग, इट विल कीप ऑन मेजरिंग. वो नापेगा मगर आपको काउंटिंग में नहीं बताएगा. फॉर एग्जाम्पल डिजिटल थर्मोमीटर, जो थर्मोमीटर होता है आप जब उसे मुंह में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली उस पर नंबर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं. अभी अगर आपको बुखार होता है, इफ़ योर टेम्परेचर इज हाई, definitely the numbers will change, the figures will change into Fahrenheit, right? So that is your physical continuous phenomena. यहाँ पर वो measure करके बता रहा है rather than counting करके. Speedometer, सबकी गाड़ी में speedometer लिखा होता है, bike पर लिखा होता है. Speedometer क्या होता है? जो गोल से एक dial होता है आपके bikes पे, scooters पे, cars में, जो आपकी स्पीड बताता है कि अब कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है, अब उसकी 40 है, अब उसकी 110 है, अब उसकी 150 है. दैट इज़ योर स्पीडोमीटर. इट कीप्स ऑन मेजरिंग कंटिन्यूसली, इट कीप्स ऑन गिविंग यू सिग्नल्स कंटिन्यूसली. ओके क्लास,
Then the second type of computer we are going to talk about is digital computers. Okay, तो digital computers का मतलब क्या होता है? Digital computers का मतलब होता है they work on the digits of zeros and ones. ठीक है, जैसे हमारी लैंग्वेज होती है हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, राजस्थानी, राइट? ये हमारी क्या है? भाषाएं, जिससे हम इंसान एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? सिमिलरली फॉर डिजिटल कंप्यूटर्स, उनकी एक बाइनरी लैंग्वेज होती है. क्या लैंग्वेज होती है? बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें जो लैंग्वेज में जो अल्फाबेट्स या नंबर्स जो भी होते हैं वो सिर्फ या तो ज़ीरो होता है या वन होता है. इसका मतलब अगर मैं 01 लिख रही हूँ तो उसका भी कोई नंबर है, अगर 10 लिख रही हूँ तो इसका भी कोई मतलब है, अगर मैं 1000 लिख रही हूँ तो इसका भी कोई ना कोई मीनिंग है. ठीक है, सो ओवर हियर वी यूज बाइनरी लैंग्वेज एंड दीज बाइनरी नंबर्स 0 and 1. ओके, इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड बिट्स, दे आर कॉल्ड बिट्स. ओके, एंड द इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल कंप्यूटर इन ग्रुप्स ऑफ बिट्स. तो इन्हें कैसे स्टोर करा जाता है? बिट्स के फॉर्म में स्टोर करा जाता है. जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था 1001 110 101010. सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ बिट्स, बाइनरी नंबर्स. देन द थर्ड टाइप इज योर हाइब्रिड कंप्यूटर. ओके, थर्ड टाइप इज योर हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड का बेसिकली मीनिंग होता है हिंदी में कि हाफ ऑफ, आधा ऐसा होगा आधा वैसा होगा. तो अगर हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो हम पिछले दो कंप्यूटर्स की बात कर चुके हैं, दैट इज योर एनालॉग एंड योर डिजिटल कंप्यूटर. तो हाइब्रिड क्या होगा? आधा वो एनालॉग होगा आधा वो डिजिटल होगा. ठीक है, इसका मतलब वो एनालॉग की तरह भी काम करेगा और वो डिजिटल कंप्यूटर की तरह भी काम करेगा. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रिफाइनरीज में होता है कि रिफाइनरीज में वो प्रोसेस कंट्रोल करके बताते हैं इतनी हीट आ रही है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही हीट किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर टच होती है तो कंप्यूटर सिस्टम्स को शट डाउन या मशीन को की स्पीड स्लो करना शुरू कर देता है. ठीक है, इससे एक और एग्जांपल एलैबोरेट करते हैं. आपकी जैसे एमआरआई मशीन्स होती हैं, सीटी स्कैन्स मशीन्स होती हैं, सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई स्कैन हुआ, तो इन मशीन्स में क्या होता है? तरंगें निकलती हैं. ठीक है, वेव्स निकलती हैं जिससे वो मेजर करा जाता है, मगर उस वेव को वो डिजिटल फॉर्म में प्रोग्राम प्रोसेस करके कंप्यूटर उसे निकालता है. सो इट इज बेसिकली यूजिंग बोथ द एनालॉग एज वेल एज द डिजिटल कंप्यूटर. वन मोर एग्जांपल, योर ईसीजी मशीन. देखें मशीन्स होती हैं और मूवीज वगैरह में भी देखते हैं इस तरीके से, उसमें लाइंस से वो आपके हार्ट बीट्स को सिग्निफाई करता है. तो ये जो जब मेजर कर रहा है दैट इज गिविंग यू एन एनालॉग सिग्नल. साथ के साथ वहाँ पर वो आपके हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर भी बताता रहता है. देन इफ इट्स रिटन 90 देन इट इज रिप्रेजेंटिंग इन अ डिजिटल फॉर्म. ओके, सो इट नाउ इट्स वर्किंग एज एन एनालॉग एज वेल एज एन डिजिटल कंप्यूटर. अदर एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस आर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, माइंस एक्सेट्रा. Then is a next classification. The next classification is based on size and processing power. Okay, the first classification was based on the data representation and now it's on the basis of size. मतलब उसका साइज कितना बड़ा होगा. Then is your processing speed, उसकी स्पीड कितनी होगी. So जो सबसे तेज जो होता है कंप्यूटर in the world right now, the most powerful computer is the supercomputer. Okay, and almost major countries, all of them have one supercomputer at least. Okay, even India has one like Param. Okay, these supercomputers, they are very huge, they are large in size, powerful, and they are room to all size.
ये एक कमरे ने एक बिल्डिंग जितने बड़े होते हैं, दे ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस, दे आर बेसिकली वेरी वेरी फास्ट, दे डू ऑल काइंड्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, दे डिजाइन वेपन्स, दे डू वेदर फोरकास्टिंग्स। हमें कैसे पता पड़ जाता है आज टेम्परेचर हमारा 44 डिग्री सेल्सियस होगा, अगले 5 दिन तक का हमें गूगल बता देता है कि इतना इतना टेम्परेचर रहेगा। न्यूज़ में आता है कि आपको कल कहते चक्रवाती तूफान आएगा बंगाल में, जैसे कि रिसेंटली आया है। सी सो हाउ डज इट कम, द वेदर फोरकास्टिंग मतलब वेदर को पहले से ही बताने वाला। बायोमेडिकल एनालिसिस, ठीक है, हम लोग कोई बीमारी होती है जो उसमें एनालाइज करने के लिए, उसके रिजल्ट्स निकालने के लिए, रिसर्च के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, रॉकेट्स बनाने के लिए वी यूज सुपर कंप्यूटर्स। देन द सेकेंड मतलब सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा देन इज योर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सो बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड, दैट मीन्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर वो हंड्रेड ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शंस आपके मान सकता है और कैलकुलेशंस करके आपको दे सकता है। इनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ये डाटा इन्हें बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस करना होता है। सो बेसिकली दीज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज बाय बैंक्स, एयरलाइंस, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम्स, ठीक है। आप चाहे किसी भी बैंक में चले जाएं, अगर आपका कोई पर्टिकुलर अकाउंट नंबर है, आप उसमें पैसे जमा कराते हैं तो कुछ ही मिनटों में आपका पैसे जमा हो जाते हैं, राइट। ऐसे ही आप बेशक धौलपुर में बैठे हैं मगर आपको ट्रेन करानी है, टिकट करानी है चेन्नई की, तो आप ऑनलाइन उसे भर के आप चेन्नई की टिकट करा सकते हैं एंड इमिडिएटली वो टिकट आपके कहते हैं ई टिकट के रूप में, या आप काउंटर से ले रहे हैं तो इमिडिएटली वो प्रोसेस हो जाती है और वही आपकी सीट नंबर हर जगह बुक हो जाती है और जितने भी इंडिया में रेलवे स्टेशन होंगे या साइट्स होंगी उस पर दिखाने लगेगा कि ये सीट आपके नाम से बुक्ड है। सो इमेजिन द स्पीड दैट इट इज वर्किंग। ओके, देन इज योर मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं एंड दे आर बेसिकली डिजाइन टू सपोर्ट मोर देन वन यूजर, बट एक बार में वो 200 यूजर्स तक अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। दे आर नॉट पोर्टेबल, वो जगह जगह उठा के नहीं ले जा सकते, दे आर एक्सपेंसिव एंड दे जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। सो बेसिकली मिनी कंप्यूटर्स वगैरह कंपनीज में यूज करे जाते हैं जहाँ बेसिकली एक बड़ा सा सीपीयू होता है जिस पर सारा डाटा आपका जाता है, ठीक है, एंड सबके डेस्क पे एक एक कंप्यूटर कनेक्टेड होता है। देन वील टॉक अबाउट माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स लेटेस्ट होते हैं टेक्नोलॉजी में और ये काफ़ी छोटे होते हैं एंड जो पर्सनल कंप्यूटर होता है दैट इज बेसिकली अ माइक्रो कंप्यूटर, मतलब घर पे जो कंप्यूटर लगा होता है और फिर स्कूल में जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं कि हर कोई इंसान उन्हें ऑलमोस्ट खरीद सकता है। दे आर चीप, दे आर फास्ट एंड दे जनरेट वेरी लेस हीट, उनमें गर्मी भी बहुत कम जनरेट होती है। अब इस ये जो आपका माइक्रो कंप्यूटर्स होता है इसे भी कई पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जैसे कि आपका टावर कंप्यूटर, देन इज योर डेस्कटॉप कंप्यूटर, देन इज योर लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर एंड योर पाम टॉप कंप्यूटर। सो बेसिकली यहाँ पर नोटबुक कंप्यूटर्स बहुत छोटे वाले, जो लैपटॉप से भी जो छोटा साइज होता है वो साइज वाले हो गए, पाम टॉप आपके टैबलेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टैबलेट्स हुए या आपके जो मोबाइल फोन्स होते हैं, स्मार्टफोन्स जो होते हैं। Here we will discuss in brief about tower computers. Tower computers are positioned vertically on their stand. Vertically मतलब खड़ा होके उन्हें रखा जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं लिए जाते, ठीक है, उन्हें शिफ्ट नहीं किया जाता। Tower computer को भी दो भागों में divide किया जाता है। First is your full tower and second is your mini tower. Okay, class.
full tower में अब वो along with the speakers आता है, whereas many tower में वो usually speaker उसके संग नहीं आते हैं. Then moving on to next topic is a desktop computer. Desktop computers जो normally हम घर पे देखते हैं, जो हमारा ये desktop computer होता है, ठीक है, ये आपका CPU, ये आपका monitor, ये आपका keyboard, ये आपका mouse, ये आपके speakers. तो ये सारा क्या होता है, हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप क्यों नाम दिया गया है, डेक्स का मतलब कोई टेबल जिसके, और टॉप मतलब जो टेबल के ऊपर रखा जा सके, दैट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर. देन योर अनदर टाइप इज लैपटॉप कंप्यूटर. सो लैपटॉप कंप्यूटर्स को लैपटॉप क्यों कहते हैं, लैप का मतलब आपके पैर के ऊपर की जगह, ठीक है, तो पैर के ऊपर जो रखा जा सके, नीज के ऊपर जो रखा जा सके आराम से आपकी लैप में, दैट इज नोन एज लैपटॉप कंप्यूटर्स. लैपटॉप कंप्यूटर्स का क्या बेनिफिट होता है, दैट दे आर पोर्टेबल, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, प्लस वो हल्के होते हैं वजन में, दे आर वेरी लाइट एंड वेट, यू कैन होल्ड इट, वेर एज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को आप जगह जगह ले जा नहीं सकते, और लैपटॉप कंप्यूटर्स में जगह जगह तार नहीं निकल रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू योर डेस्कटॉप कंप्यूटर.